नमस्कार, केसरी उजाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिवाली के दिन कोरोना का डर पीछे छोड़कर लोग बाजारों में खरीदारी करने उमड़ पड़े हैं। कोरोना की चैन अब तक टूटी नहीं है। इतना जरूर है कि मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के बाद स्वास्थ्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षा विभाग दोबारा तैयारी में जुट गया है। पर बाजारों में दिवाली की खरीदी कोरोना को मुंह चिढ़ा रही है। शुक्रवार को शहर के बाजार भी सुबह 8 बजे से ही सज गए थे। बर्तन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गिफ्ट शॉप पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है। इस दिन लोग घरों को दियो व लाइटिंग से सजाते हैं। इसी के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर लड़िया खरीदने वालों की भीड़ लगी दिखाई दे रही है। और बाजार में खरीदी करने वाले ग्राहकों को कोरोना वायरस की चिंता नहीं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां भी उड़ गई। डॉक्टरों का मानना है कि दीपावली में सहित शॉपिंग सेंटर की भारी दुकानों, मॉल, भीड़ और इसके बाद लोगों का एक त्योहार की रंगत ने कोरोना के प्रभाव को भी दरकिनार कर दिया। व्यापारियों को कम ग्राहक आने का अंदेशा सता रहा था, मगर शनिवार को बाजार की रौनक बढ़नी शुरू हो गई तो सबके चेहरे भी खिल उठे। प्रशासन का कहना है कि सेकेंड फ्लो के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई है, लेकिन लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। दिवाली की खरीदारी में जिस तरह से नवंबर से ही असर दिखने लगेगा, अगले कुछ महीने तक सतर्कता और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। हालांकि प्रशासन की ओर से हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जनसहयोग भी आवश्यक है। मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही लोगों में लापरवाही भी बढ़ी है। लोगों का कहना है कि अब वे कोरोना की बंदिशों से उकता गए हैं। दिवाली के उक्त बाजारों में भारी भीड़ के साथ ही नियमों की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। अब लोगों का त्योहार के लिए अपने गांव, शहर जाना भी शुरू हो गया है। इस हालत में बीमारी के संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।